दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के उस नोटिस पर रोक लगा दी जिसमें आप सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के लिए 8,914 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वापस लेने की बात कही गई थी। जस्टिस ए.के. चावला ने प्राधिकारों से 20 दिसंबर तक नया विज्ञापन जारी करके योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाने और आवेदन 31 दिसंबर तक प्राप्त करने को कहा। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2010 से नियुक्त हुए शिक्षकों की पदोन्नति और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगी रोक भी हटा ली। नियमित शिक्षकों की नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया का रास्ता साफ करते हुए अदालत ने कहा कि आवेदन पर विचार करने और लिखित परीक्षा कराने की व्यवस्था करने, अंतिम चयन और एक पैनल बनाने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2018 तक पूरी हो जाए।